Good morning, dear student. I am your English teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. Today we study our English Delight. Dear student, आज हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है जो हमें एज ए होमवर्क नहीं कर रही है हमारे रीडिंग के लिए, यानी कि एक स्टोरी है. इस स्टोरी को हमें जस्ट ओनली रीडिंग करना और अंडरस्टैंड करना है. देखिए बच्चों, ये किसकी स्टोरी है? श्रवण कुमार. अब श्रवण कुमार आपने अच्छे से सुना होगा, श्रवण कुमार की स्टोरी. तो ये एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा था. देखिए शुरू करते हैं. श्रवण कुमार्स obedience and devotion to his parents has been appreciated for ages together. श्रवण कुमार अपने माता पिता का आज्ञाकारी और अपने माँ बाप की हर बात मानने वाला बेटा था, और इसकी यानी श्रवण कुमार को कई युगों तक, कई वर्षों तक, कई सालों तक उसकी इन्हीं बातों को अप्रिशिएट यानी सराहा गया है. उसकी तारीफ की गई है कि उसका उसके जैसा बेटा होना सौभाग्य की बात है. ही वॉज अ यंग बॉय हु लॉस्ट हिज लाइफ वाइल ब्रिंगिंग वाटर फॉर इज ब्लाइंड पेरेंट्स. और ये एक नौजवान लड़का था जिसने अपना जीवन गंवा दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी. कब? जब वो अपने माता पिता के लिए पानी लेके आ रहा था. यानी उसके माता पिता अंधे थे और अपने अंधे माता पिता के लिए वो पानी ला रहा था, उस वक्त उसकी मृत्यु हो गई. श्रवण कुमार वॉज ए वेरी यंग एंड हैंडसम बॉय. श्रवण कुमार एक बहुत ही सुंदर और जवान, हैंडसम, चार्मिंग, हैंडसम, चुस्त लड़का था. नॉट ओनली वॉज ही हैंडसम, ही लुक एट बट हिज डीड्स टू वर हैंडसम. हालांकि वो देखने में सुंदर नहीं था, उसके द्वारा किए जाने वाले काम भी बड़े अच्छे थे. बट अनलकीली सर्वेंट्स पेरेंट्स वर ब्लाइंड. लेकिन बदकिस्मती से श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे. श्रवण ओबेड एंड सर्व्ड देम विथ ग्रेट लव. श्रवण कुमार उन्हें उनकी सारी बातों को मानता, उनकी आज्ञा की पालना करता और बहुत ही प्रेम से उनकी सेवा करता. ही ट्राइड टू फुलफिल एवरी डिजायर ऑफ हिज पेरेंट्स. और वो कोशिश करता कि अपने माता पिता की सारी बातों को वो पूरी कर सके, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके. ऑल दो दे कुड नॉट सी हिम दे वर हैप्पी टू हैव अ सन लाइक श्रवण. हालांकि वो देख नहीं सकते थे लेकिन फिर भी वो खुश थे. क्यों? क्योंकि वो श्रवण कुमार जैसे बेटे को पाके वो खुश थे. वो अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे कि उनका बेटा कैसा दिखता है, लेकिन वो खुश थे अपने इतने प्यारे बच्चे को पाकर. वी वॉन्ट टू गो ऑन पिलिग्रमेज ऑन सन सेड द पेरेंट्स वन डे टू श्रवण कुमार. एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने उसको, श्रवण कुमार को कहा कि हम पिलिग्रमेज का मीन होता है धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं. दीज वर्ड्स फ्रॉम देम कम एज एन ऑर्डर फॉर श्रवण. और वो शब्द जो कि उन्होंने, श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें एक इच्छा के रूप में व्यक्त किए थे, बताया था कि हम जाना चाहते हैं, ये शब्द श्रवण कुमार के लिए एक आदेश के समान हो गए. आई विल टेक यू वेर एवर यू वॉन्ट टू गो. मैं आपको ले चलूँगा जहाँ आप जाना चाहते हो, सेड श्रवण. श्रवण ने कहा कि मैं आपको जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जहाँ भी तीर्थ यात्रा पर आप जाना चाहते हो वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा. बट हाउ विल यू कैरी अस, लेकिन तुम हमें कैसे लेके जाओगे? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, सेड द पेरेंट्स. पेरेंट्स ने कहा. डोंट वरी रिप्लाइड श्रवण, लेकिन श्रवण ने कहा आप चिंता मत करो. आई शैल टेक बोथ ऑफ यू वेरी इजीली, मैं आपको बड़ी ही आसानी से लेके चला जाऊँगा. बट हाउ, सेड द फादर, लेकिन फादर ने कहा कैसे लेके जाओगे? आई विल मेक टू सीट्स एंड अटैच देम विद ए लॉन्ग पोल. मैं दो सीट बनाऊँगा, उन दोनों सीटों को एक लंबे से पोल यानी खंबे से अरेंज कर दूँगा, जोड़ दूँगा. इट विल बी इन दी शेप ऑफ ए मेजरिंग बैलेंस, और इसका आकार कैसा होगा? मेजरिंग बैलेंस यानी तराजू के समान इसका आकार होगा. यू विल सीट इन वन सीट एंड मदर विल सीट इन द अदर, रिप्लाइड वाइज सर्वन. चतुर सर्वन ने उत्तर दिया कि एक सीट पे आप बैठ जाओगे, एक सीट पे माता बैठ जाएगी. सर्वन मेड टू सीट्स फॉर हिज पेरेंट. सर्वन ने दो सीट बनाई अपने माता पिता के लिए. ही मेड हिज मदर सीट इन वन सीट एंड हिज फादर इन द अदर. और उसने इस प्रकार से सीट बनाई थी ताकि एक में वो बैठ, उसके माता पिता में से एक में उसके पिताजी बैठ सके और एक में उसकी माता बैठ सके. कैरिंग देम विद द पोल ऑन हिज शोल्डर ही सेट आउट ऑन द जर्नी. और उसने उस तराजू को यानी जिस, जैसा कि आपको इन दोनों चित्रों में दिख रहा है, इस प्रकार से पोल पे दोनों तराजू को टांग के अपने कंधों पे रख के वो यात्रा पे
चल पड़ी। ही टुक हिज पेरेंट्स फ्रॉम वन होली पैलेस टू अनदर, और वो अपने माता पिता को एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान तक लेके जाता रहा। श्रवण कुमार वॉज वेरी हैप्पी फुलफिलिंग द विश ऑफ हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार बहुत खुश था अपने माता पिता की समस्त इच्छाओं को पूरा करके। वन डे एज दे कंटिन्यूड द जर्नी द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार फेल्ट थर्स्टी। एक दिन जब वो अपनी यात्रा पे चल रहे थे, अपनी यात्रा जारी रख रहे थे, तब श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। डियर श्रवण विल यू गेट सम वाटर सेड द फादर। फादर ने कहा कि प्यारे बेटे क्या तुम हमारे लिए कुछ पानी ला सकते हो, थोड़ा पानी ला सकते हो। यस फादर वेर एवर देर इज ए पूल आई शैल ब्रिंग वाटर फॉर यू फ्रॉम देयर सेड श्रवण। श्रवण ने कहा जहाँ कहीं भी कोई तालाब होगा मैं वहाँ से आपके लिए पानी लेकर आ जाऊँगा। सून दे रीच्ड ए फॉरेस्ट इन विच देर वॉज ए बिग पूल ऑफ वाटर। और जल्द ही वो एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ पे खूब सारा एक तालाब था, पानी से भरा हुआ एक तालाब था। श्रवण पुट द बैलेंस लाइक सीट डाउन सॉफ्टली, और श्रवण ने अपनी जो बैलेंस था यानी अपनी तराजू थी उसको आराम से प्यार से ज़मीन के ऊपर रख दिया। विथ ए पॉट इन हैंड ही वेंट टू द पुल, और उस तराजू को ज़मीन पर रखते हुए उसने विथ ए पॉट इन हैंड ही वेंट टू द पुल, और एक हाथ में वह मटका लेकर उससे तालाब की तरफ चल पड़ा। एज ही पुट द पॉट इन टू द वाटर इट मेड ए गार्गलिंग साउंड, और जैसे ही उसने मटके को तालाब के पानी में डाला तो एक गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई यानी पानी की छटपटाहट की आवाज़ आई। एट दैट टाइम द फेमस किंग ऑफ अयोध्या किंग दशरथ वॉज आउट फॉर हंटिंग इन द सेम फॉरेस्ट, और उसी समय जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेके जा रहा था उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए निकले थे, उसी जंगल में शिकार के लिए निकले थे। एज ही हियर्ड द साउंड ऑफ वाटर ही थॉट दैट देयर वॉज ए डियर ड्रिंकिंग वाटर, और जब उन्होंने आवाज़ सुनी, पानी की आवाज़ सुनी, तो उन्हें लगा कि कोई हिरन यहाँ पानी पीने के लिए आई है। दिस डियर विल बी माई प्रे थॉट किंग दशरथ। राजा दशरथ ने सोचा कि ये जो हिरन आई है ये अभी मेरा शिकार बनने वाली, यानी मैं इसको मारने वाला हूँ। फ्रॉम द डिस्टेंस ही कुड नॉट सी वॉट इट वॉज नॉट ए डियर बट ए यंग हैंडसम पुअर ब्राह्मिन बॉय, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वह नहीं देख पाई कि ये कोई हिरन नहीं थी, ये एक जवान सुंदर ब्राह्मण लड़का था। ही फिक्स्ड हिज एरो टू द स्ट्रिंग ऑन हिज बो एंड लेट द एरो गो विथ फुल फोर्स एंड स्पीड, और उसने अपनी एरो को, अपनी तीर को बो यानी कमान में फिक्स करते हुए, अरेंज करते हुए अपनी फुल स्पीड से, अपने फुल जोर से, स्पीड से उसको छोड़ दिया। द एरो हिट द टारगेट दैट इज सर्वेंट चेस्ट, और एरो ने अपना टारगेट पूरा किया यानी वो जाके कहाँ लगी, श्रवण कुमार के चेस्ट में जाके लगी। एज किंग दशरथ केम टू सी हिज प्रे ही रियलाइज हिज मिस्टेक, और जैसे ही राजा दशरथ अपने किए हुए शिकार को देखने के लिए पास आए तो उन्होंने देखा कि ये तो उन्होंने गलती कर दी है। देयर ले यंग श्रवण विथ एन एम्प्टी पॉट नियर हिम, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का श्रवण अपने खाली मटके के साथ वहाँ जमीन पे गिरा हुआ था। ही वॉज रिथिंग इन ए पेन, और वो श्रवण कुमार दर्द से छटपटा रहा था। दी किंग वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, राजा काफ़ी ज़्यादा दुख से भर गए यानी उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही सा सर्वेंट्स ब्लाइंड पेरेंट्स एट सम डिस्टेंस, और उन्होंने देखा क्या श्रवण कुमार के बूढ़े अंधे माता पिता को, दूरी से अंधे माता पिता को देखा। वाइल डाइंग श्रवण रिक्वेस्टेड किंग दशरथ टू टेक वाटर टू हिज पेरेंट्स हु वर थर्स्टी, और जब श्रवण कुमार मर रहा था तो मरते समय उसने राजा दशरथ से कहा कि मेरे माता पिता वहाँ काफ़ी दूरी पे हैं और वो प्यासे हैं और जाके उनको आप पानी पिला दीजिए। किंग दशरथ ब्रॉट वाटर टू हिज पेरेंट्स, और राजा दशरथ उसके यानी श्रवण कुमार के माता पिता के लिए पानी लेके गए। ही डिड नॉट नो
हाउ टू एड्रेस एंड गिव देम द सैड न्यूज़। अब राजा दशरथ नहीं जानते थे कि वह किस प्रकार से इस बुरी खबर को उसके माता पिता को सुनाए। वेन द पेरेंट डिड एक्चुअली आस्क अबाउट देयर सन ही हैड टू टेल वॉट हैड हैपन। और जब श्रवण कुमार के माता पिता ने वास्तव में अपने बेटे के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, राजा दशरथ ने सारी बातें उनको बता दी। यू मे वेरी वेल इमेजिन द ग्रीफ ऑफ द पेरेंट्स। अब आप अच्छे से कल्पना कर सकते हो कि किस प्रकार से उसके माता पिता को दुख हुआ होगा। नो काइंड वर्ड्स ऑफ किंग दशरथ कुड कंसोल देम। और राजा दशरथ की तरफ से कोई भी सांत्वना के लिए शब्द नहीं दिए गए, यानी कि उनके समझ में नहीं आया कि मैं क्या सांत्वना के शब्द इनको दूँ। दे थॉट दैट देयर लाइफ वॉज यूजलेस। और वो क्या सोचने लग गए थे राजा दशरथ के द्वारा बताए जाने पे कि उनका बेटा उनके मारी हुई तीर से मर चुका है, तो ये सोच के वो सोचने लग गए अब तो उनका जीवन बेकार है, यानी वो मरे समान है। दे टू डाइड एज देयर वर अनेबल टू टॉलरेट दी डेथ ऑफ देयर सन। और वो भी मर रहे थे क्या, क्योंकि उनसे ये ऐसा ही नहीं है, टॉलरेट का मीन होता ऐसा ही नहीं है, बात नहीं सुनी जा रही थी कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। बट बिफोर दे डाइड द फादर ऑफ सर्वन प्रनाउंस्ड ए कर्स ऑन दशरथ। और जैसे ही दशरथ कुमार ने उनको पूरी बात बताई तो ये बात सुन के उन माता पिता को लगा कि हम भी मर रहे हैं। तो मरने से पहले दशरथ को सर्वन कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, कर्स का मीन होता श्राप एंड बुरी बात बताई और कहा ही सेड जस्ट एज वी आर डाइंग इन ग्रीफ सो विल यू फॉर योर सन। और क्या श्राप दिया उन्होंने, श्राप दिया जिस प्रकार हम हमारे बेटे के दुख में मर रहे हैं, यानी हमारे बेटे को तुमने मार दिया है तो ये दुख हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इस दुख से हम मरने पे आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से तुम भी अपने बेटे के लिए मरोगे। एंड चिल्ड्रन यू मस्ट लर्न दैट दशरथ एक्चुअली डाइड इन ग्रीफ ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज डियर सन लॉर्ड रामा। और जैसा कि आपको अच्छे से पता है, यानी कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो वो अपने बेटे राम, जो भगवान राम है, उनसे बिछड़ने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, अपने बेटे के दुख में भी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों ये था आज आपका चैप्टर, जो कि एक स्टोरी थी। बच्चों ये कोई चैप्टर नहीं था, ये जस्ट फॉर आपको एंटरटेन करने के लिए स्टोरी थी। आज आपको अपनी इस स्टोरी को अच्छे से एज ए होमवर्क रीड करना है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।